हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी चिकन सूप, जिसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 50 ग्राम बोनलेस चिकन, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच घी, 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और एक चम्मच नमक। वेजिटेबल्स में हमने लिया है आधी दूधी बारीक कटी हुई, आधा गाजर बारीक कटा हुआ, एक छोटा आलू बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी पालक बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी केबिज बारीक कटी हुई और ये ब्रोक्यूली जिसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में रखा है। ये एक मैगी का क्यूब लिया है हमने, 8 से 10 लौंग, 2 स्टार फूल, 1 दालचीनी, 1 तज पत्ता और 5 काली मिर्च, थोड़े से इटालियन पास्ता और स्पगेटी भी हम उसमें डालेंगे, जग पानी। इसमें हमने सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं और लहसुन, प्याज और टमाटर भी डाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे इस तरीके से। पानी डाल देंगे। नमक डाल देंगे। पास्ता डाल देंगे। और चिकन। और ये मैगी क्यूब डाल देंगे। इसे आप आधे घंटे के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दें। इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस से। ये देखिए, आधा घंटा बाद हमारा सूप रेडी हो चुका है। सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारा हेल्दी चिकन सूप तैयार हो गया है। ऐसे ही मेरी नई रेसिपीज़ को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।